हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हाईलाइट देख के आपको समझ में आ रही होगी कि मैं पहुँच चुकी हूँ फन वर्ल्ड में। तो ये हूँ मैं रास्ते में, अभी मैं जा रही हूँ वाटर पार्क, और मैं पहली बार वाटर पार्क जा रही हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मिलते हैं आपसे वहाँ पर पहुँच के। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं वाटर पार्क जिसका नाम है फन वर्ल्ड, जो कि बेंगलोर में है, जो कि बहुत बड़ा वाटर पार्क प्लस एडवेंचर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क आप उसको बोल सकते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को फन वर्ल्ड वाटर पार्क की पूरी डिटेल्स मैं दूंगी, जितना हो पाएगा मैं सारी डिटेल्स दूंगी। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और मैं पहली बार वाटर पार्क आई हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता चुका है। तो मैं बहुत सारे इन्जॉय करने वाली हूँ, ब्लॉग भी शूट करूँगी, बट पहले इन्जॉय करूँगी तब ब्लॉग शूट करूँगी। तो ये देखिए, आज का दिन है ट्यूसडे, उसके बावजूद इतना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो अब चलिए चलते हैं टिकट की ओर और देखते हैं कि टिकट का प्राइस क्या है और किस तरह से हम टिकट यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे ऑनलाइन भी टिकट परचेज कर सकते हो घर पे ही, बट हमने सोचा कि क्यों ना वहीं पे जाके किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी होते हैं। तो चलिए अब टिकट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकडेज और वीकेंड पे अलग अलग टिकट की प्राइसेस हैं, और आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप डिफेंस कोटा से हैं या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में। तो आईडी कार्ड दिखा के 20% से लेकर 30% तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ये एम्यूजमेंट पार्क में, एडवेंचर पार्क में। तो यहाँ पे जाने के साथ ही बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था, और बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए आप बहुत सारा राइड है, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा लालच आ रहा है कि मैं इसी बच्चों वाले में जाऊँ, क्योंकि बड़े वाला जितना भी राइड है वो बहुत ही डेंजरस दिख रहा है। तो गाइस, एंट्री तो हो चुकी है, अब चलते हैं हम अंदर। और अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाली झूला थी, बट मैं तो उस पर ज़रूरी जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये डेंजरस वाले झूले पे एडवेंचर में, मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मेरे हस्बैंड को थोड़ी थोड़ी तो डर लगती है, बट मैं अभी इस जो सामने आपको दिख रही है ना राइड, मैं उस पर जाने वाली हूँ और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पर एंट्री कर रही हूँ, और यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, क्योंकि मोबाइल गिर जाएगी मेरे पॉकेट से। तो इस वजह से मैं फ़ोन को रख देती हूँ और मिलती हूँ आपसे इस राइड के बाद, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हमको ऐसा लग रहा है कि ये सब फालतू का काम है। हमको तो बहुत मजा आ रहा है। कौन? आगे सबको देख लीजिएगा आप। तो गाइस, सामने वाली राइड तो हमने कर ली और मैं पहुंच चुकी हूँ अब दूसरे वाले राइड पे, जो कि बिल्कुल ही सिंपल थी, बिल्कुल ही डर नहीं लग रही थी, बस ऐसे ही इन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने सोचा कि डर तो लग नहीं रही है, तो चलिए वीडियो शूट ही कर लिया जाए। तो ये यहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी डरावने वाली राइड नहीं है, ये एकदम से इस पर बच्चे भी बैठ सकते हैं। बट अब यहाँ के बाद हम जा रहे हैं वो जो सामने आपको झूला दिख रही है ना, उस वाले राइड पर, और जो कि वो वाले राइड से भी डेंजरस दिख रही है। बट मैं तो जाऊंगी ही चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि यही तो करने आई हूँ। तो चलिए चलते हैं इस वाले राइड पे, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और एक बार जाके हम वापस लौट चुके हैं, वेटिंग लिस्ट थी बहुत ही ज़्यादा। तो देख सकते हैं आप, अभी मैं इस वाले राइड पर से आई हूँ। यहाँ पर आपको उतनी डेंजरस नहीं दिख रही होगी जितनी इस पर एक्सपीरियंस करके लगी हमें। मेरे हस्बैंड तो थोड़े बहुत डर भी रहे थे, बट मैं तो बहुत ही ज़्यादा नहीं डर हूँ, मैं तो नहीं डरती जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, बट यहाँ पे अभी भी मेरी टर्न नहीं आई है। तो गैस, ये मेरे हस्बैंड चल चुके हैं बुल राइड की तरफ, और मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस पर, ये फालतू सा है। बट मेरे हस्बैंड को जब भी ये मौका मिलता है वो ज़रूर बुल राइड करते हैं, और थोड़ी देर में वो देखिएगा किस तरह से उनका गेम ओवर हो जाएगा। मुझे पता है वो ज़्यादा देर तक इस गेम में टिक नहीं पाएंगे, और ये ढिसोम, गेम ओवर। तो चलिए, अभी हमारा वेटिंग वहाँ पर ख़त्म हो चुका था, तो हम अब वहाँ पर निकलते हैं और वहाँ पर राइड करते हैं। और मैं वो बिल्कुल भी सूट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है यार, मेरा फ़ोन गिर जाएगा, इस बात का डर, मेरा डर नहीं।
तो ये वाला राइड भी हमने यहाँ पे कर लिया था और अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले राइड पे। और ये राइड तो गाइस इतनी ही खूबसूरत राइड थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो इसकी भी वीडियो मैं शूट नहीं की क्योंकि इसमें भी फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर से जो भी था वो शूट किया। बट ये राइड एकदम खूबसूरत वाला राइड था, एडवेंचर प्लस क्या बोलूँ सुंदर वाला व्यू, एकदम बहुत ही अच्छा। तो इस राइड के बाद मेरी हालत अब हो गई है ख़राब और मेरे पेट में होने लगी है दर्द, तो मैं वो वाले राइड पे नहीं जा पाऊँगी। मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ वो कितना ज़्यादा डेंजरस है, मुझे तो बहुत ही मन था बट मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया क्योंकि मेरे पेट में होने लगी है गुड़गुड़ अजीब सी। इतना ज़्यादा राइड एक दिन में नहीं हो सकती है और ये वाला तो मेरी फेवरेट है, बट ये हर जगह मिलती है इसलिए मैं इसे भी ट्राई नहीं करूँगी। तो अब हम जाएंगे वाटर पार्क के लिए, और ये भी मैंने पहले भी ट्राई कर चुका है ये, बट इस पर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं जाने दिया क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगने लगी थी। चार चार राइड बैक टू बैक स्टाइल मार रही थी, खत्म, मुझे होने लगी वोमिटिंग। क्यों? इसीलिए तो नहीं कर रहे ना। और अब हम जा रहे हैं वाटर पार्क में और वहाँ पे बहुत मस्ती कर, बहुत मस्ती ही मस्ती। वहाँ भी है नाव तैरने वाला। हाँ करेंगे सब, सब करके सब करने वाला वहाँ भी, तो इससे ज्यादा अच्छा वही लगता है, वही तो पानी में ज्यादा टाइम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वाटर पार्क एरिया में और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। ये है डांसिंग एरिया और अभी हम अंदर एंट्री नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे आप अपना क्लॉथ ले सकते हैं या फिर आप घर से भी लेके जा सकते हैं। तो इसका कॉस्ट 200 पर पीसेस, बट हम यहाँ से नहीं लेने वाले, मैं जो ड्रेस पहन के गई हूँ मैं उसी पर इंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे वो क्लॉथ पता नहीं कैसे रहते हैं। तो आप चाहो तो ले भी सकते हो, अगर नहीं चाहो तो घर पे कैरी करके भी लेके जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आई ना गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, मैं ये तीसरी बार बोल रही हूँ कि मैं पहली बार आई हूँ, बट हाँ मैं पहली बार आई हूँ और मैं ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और भीड़ बहुत ही ज़्यादा था। तो चलिए अब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं और जितना हो पाएगा मैं आपको ये शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी, बट यार फ़ोन के साथ नो कम्प्रोमाइज़, अगर मेरे फ़ोन को कुछ हो गया तो मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाऊंगी, जितना कर पाऊंगी उतना की हूँ और बहुत ज़्यादा ही की हूँ। तो यहाँ देखिए अब हम जा रहे हैं एक वाटर वाले राइड पे जो कि बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं हम, और मैं पहली बार जा रही हूँ तो इस पे तो मुझे उस झूले वाले से भी ज़्यादा डर लग रहा है। और ये यहाँ पे आ गए, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए, वो बिल्कुल भी मेरे वीडियो शूट नहीं करते हैं, सिर्फ मैं उनका वीडियो शूट करती हूँ, इस वजह से मेरा ब्लॉग आधा अधूरा रह जाता है। तो अब हम चलते हैं एक कपल वाले स्लाइड पे, उस पर हम दोनों एक साथ जाएंगे, बट वो वीडियो हम जरूर शूट करेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अब डर नहीं लग रहा है और मुझे यहाँ पे डर लगता है। बहुत मजा आ रहा है, वो झूला उला में बिल्कुल मजा नहीं आया, वो सब बकवास है, असली मजा यहाँ है क्या। हम फिर आएंगे, छोड़ेंगे तब ना। हम निकल जाए, ले रहे तो अब हो रही है कुछ रील्स की शूट जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रील्स के लिए शूट हो रही है और साथ साथ में इंजॉय भी कर रही हूँ। ये बहुत ही जोर था मुझे पानी और मैं आगे की ओर चली गई थी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा था। ओ गॉड, ये थोड़ा थोड़ा डेंजरस भी है और इसीलिए मुझे डर भी लग रहा है। और मैंने पहले वीडियो वगैरह में देखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ कुछ बहुत डेंजरस भी हो जाती हैं चीज़ें, तो मैं तो थोड़ी डर डर के ही चीज़ें कर रही थी, बट जो भी है इंजॉय तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। तो अब चलिए मैं चलती हूँ, हम स्विमिंग।
तो गाइस यहाँ पे एक स्विमिंग पूल एरिया जहाँ की वेव आती है, और ये देखिए ये बिल्कुल ही बीच वाली फीलिंग दे रही है, बट ये सबसे किनारे पे जाके मैं तो डूब ही जा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे वेव जो आ रही थी उसके बाद मेरे सर के ऊपर से पानी निकल जा रही थी, तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे डर रही हूँ, और मुझे वैसे भी पानी से डर लगता है, तो बट जो भी है एंजॉय कर रही हूँ। वो देखिए ये बिल्कुल ही बीच वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही थी, जिस तरह से बीच पे वेव आती है उसी तरह से इसमें भी वेव आ रही थी, बट मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। होप आप लोग भी ये ब्लॉग एंजॉय कर रहे हों, और आप लोगों को भी ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, तो बने रहिए इस ब्लॉग में एंड तक। अभी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखने वाली है, यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है वो आगे दिखने को मिलेंगी, तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस अब चलिए, मुझे लग चुकी है भूख, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नूडल्स और पनीर मंचूरियन ऑर्डर कर दिया है, तो आप यहाँ पे जितना चाहो उतना खा सकते हो, यहाँ खाना का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छे प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ खाना, और खाना खाने के बाद हम फिर से इंजॉय करेंगे। टेस्ट उतना अच्छा नहीं था, बट चलिए ओके ओके था। तो ये देखिए गाइस, ये है वो चीज़ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मीन्स इस वाटर पार्क का जो मेन है ना सेंटर पॉइंट भी यही है, क्योंकि यहाँ पे इतना खूबसूरत लगता है कहाँ पे कहीं बाहर आ गया इस तरह से इसका जो। और यहाँ पे अगर आप फोटोशूट भी कराओगे तो बहुत ही सुंदर आने वाला है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी अपने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट किया, आप जाके देख सकते हो कि कितना ही खूबसूरत है, और ये भी कितना भी खूबसूरत लग रहा है, आप सामने देख ही रहे होंगे। तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं इंजॉय करने, तो गाइस डांस भी हो गया, खाना भी हो गया, एंजॉय भी हो गया, बट थोड़ी देर अभी और ही एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं और अभी 5 बजे तक हम यहाँ पे रह सकते हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ यहाँ से। तो मैंने आपको टाइमिंग बताना तो मैं भूल ही गई थी, यहाँ पे आप 10 बजे आ जाओ और 5 बजे तक आराम से रहो, और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करी, बट मेरी फ़ोन की बैटरी अब थोड़ी ही देर में डेड होने वाली है, तो देखिए कि अब कितने देर तक हम वीडियो शूट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अब बैटरी बिल्कुल ही डेड हो गई। आप लोगों को तो पता ही है कितने सारे मेम और रील्स आते हैं कि आईफोन के फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे डिमेरिट भी, उसमें से एक है बैटरी,
तो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने वाली हूँ। और होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके ये शेयर करें। और ये फन वर्ल्ड बहुत ही अच्छा था, आप ज़रूर जाएं, एंजॉय करें। और किसी को और भी कुछ अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।